हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग अदिति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, अभी मैं जा रही हूँ ओशियन पार्क। सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ, कोई सस्पेंस नहीं कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ओशियन पार्क, यहाँ का मतलब जो होता है वाटर वाला जो होता है ना पार्क टाइप का, उस तरह का होता है ओशियन पार्क में, और राइड्स वगैरह भी हैं। तो हम लोग अभी जाके देखेंगे, वहीं पर टिकट का करेंगे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रहा। नॉर्मली ऑनलाइन ही उसमें सब लोग कराते हैं, तो हम कल रात से ही लगे हुए हैं ऑनलाइन करने में, लेकिन हमारा नहीं हो रहा। तो अब वहीं पर जाकर मैं देखूंगी कि क्या है, वहां पर टिकट काउंटर तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। और एक ही उसका एंट्री विंट्री में सब कुछ बताऊं दिखाऊंगी कि कहाँ से एंट्री है, क्या है, कैसे है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सेम ड्रेस पहन के फिर मैं एक ही कपड़ा पहन के ब्लॉग बना रही हूँ। तो नहाने जाना है तो मैं घर से ही रेडी होके जा रही हूँ टी शर्ट पहन के। ये डार्क कलर का टॉप है ना, तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया है कि पानी में गीला होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट ना हो, तो इस वजह से मैंने ये ब्लू वाला टी शर्ट पहना है। और कोई वजह नहीं कि एक ही टी शर्ट पहन के, और एक ही टी शर्ट पहन के भी बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, क्योंकि पानी में ही नहाने जा रहे हैं तो मेकअप क्या करना। तो सोचा घर से निकलने से पहले आप लोगों के साथ अपना शेयर करूँ। और दूसरा चीज, मैंने एक सत्तू वाला लिट्टी में खा रही हूँ, और साथ में सेम वन कप ब्लैक कॉफी। देखिए कहाँ से दिखाऊं, मुझे नहीं पता। और मैं अभी मतलब वहां पर क्या खाने का रहेगा क्या नहीं खाने का रहेगा तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं अपने लिए दो सत्तू वाला अपना बिहारी स्टाइल बांध लिया है, और वहीं पर देखूंगी थोड़ा खा लूंगी। या चाय कॉफी तो मिलेगा ही वहां पर, हो सकता है तो चाय कॉफी ले लेंगे। तो चलिए फिर वहीं पर सीधा दिखाऊंगी जाकर कि क्या है कैसा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी, मैं पहले कभी नहीं वाटर वर्ल्ड वाला जो होता है ना थीम पार्क, ऐसा मैं कभी नहीं गई हूँ लाइफ में, फर्स्ट टाइम ही है। और बारिश भी हो रही है, तो देखते हैं हमारा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो गाइस, जहाँ भी मैं जा रही हूँ ओशियन पार्क, तो थोड़ा सोचा कि आप लोगों को ना डिटेल में बता दूँ, बाय चांस कोई टूरिस्ट वगैरह यहाँ आए घूमने के लिए तो उनके लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ओशियन पार्क में जो है ना दो तरह का वहाँ पर यह है पार्क है, दोनों पास मतलब एक ही है कैंपस सबका, लेकिन दो भाग में बांटा गया है। एक जो है राइड्स के लिए है कि जहां पर झूले वगैरह रोलर कोस्टर ये सब जो चलता है वो है, और दूसरा जो है दूसरा पार्ट है जो वाटर पार्क है। तो उसमें आपको वाटर थीम से रिलेटेड सारा मतलब वो कुछ दिखाएगा। तो हम लोग जो जा रहे हैं राइड्स वाले में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वाटर वाला में, तो वाटर पार्क वाला में जा रहे हैं। तो उसमें जाकर मैं देखती हूँ कि क्या है। ऐसे तो यूट्यूब पर आजकल सब लोग बना के डाले हुए ही रहते हैं, तो आप लोग वहां से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मेरा यूट्यूब पर आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा। और जहां हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क में जा रहे हैं ओशियन पार्क के वाटर पार्क में, तो वहां पर टिकट जो है ना नॉर्मल टिकट है 300 समथिंग, अभी सम तो 300 से ऊपर ही टिकट है, मतलब 400 और 300 के बीच में टिकट है वहां का। और स्टूडेंट लोगों का बिल्कुल कम, तो स्टूडेंट लोगों का ना जहाँ तक मुझे मतलब इंडिया में तो नहीं होता, स्टूडेंट लोगों का इंडिया में भी कहीं कहीं पर होता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट लोगों का हाफ प्राइस है, बहुत कम लगता है। और एजेड लोग तो जाते हैं नहीं ये सब पार्क में, तो नॉर्मल लोग और स्टूडेंट लोगों के लिए मतलब अलग अलग प्राइस है। और एक चीज मैं बता रही हूँ गाइस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए होगा, मैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुकी तो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हांगकांग में एक चीज है कि अगर आपका बर्थडे है या आपका फैमिली में से किसी का भी बर्थडे है, उस दिन अगर आप ओशियन पार्क जाते हो तो आपको ना बर्थडे का दिन आपको फ्री एंट्री मिलेगी, वहां पर कोई टिकट नहीं, तो आपका $400 हांगकांग डॉलर बिल्कुल बचेगा, अब पूरा दिन आप लोग एंजॉय कीजिए। सेकंड, इसी में मैं और ऐड एक चीज कर रही हूँ कि जिनका बर्थडे होता है हांगकांग में, अगर आप आईडी कार्ड दिखाते हो मैकडी और एक कौन सा बहुत बड़ा दुकान है KFC सब में जाकर, तो आपको ना मील भी फ्री का मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मील वाला काम ना जिनके पास पैसा है उनको नहीं करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों के लिए ऑफर होगा मेरे ख्याल से। तो मैं इसमें मतलब उतना वो नहीं इसको एक बता रही हूँ, मतलब ऐसे ही ऐड कर दिया है मैंने, लेकिन
ओशियन पार्क का लोग फायदा उठा सकते हैं। तो मैं तो अब मेरा तो अभी बर्थडे चला गया 4 जुलाई को, मैं जा नहीं पाई उस दिन, तो अब पैसा लगा के जा रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर इसका फायदा उठाइएगा। यहाँ पर मेरा टिकट चेक हो गया अंदर, मैंने टिकट वहाँ से ले लिया और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ पर से। तो टिकट अभी हम लोग लेकर अंदर घुसे हैं गाइस, पूरा थैला वैला सब चेक हुआ है। गीला है पूरा ना नीचे, हम लोग स्लीपर पहन कर आ गए हैं, जूता नहीं पहने क्योंकि नहाने का जगह है तो जूता क्या पहनना, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि ना जाऊं। ये है उस वाटर पार्क के अंदर, वाटर वर्ल्ड नाम। देखिए लोग कैसे तैर रहे हैं एकदम, माय गॉड, एकदम पूरा पानी का आवाज आ रहा ना, जैसा मैंने वीडियो में देखा था ना वैसा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी मैं आई हूँ एक दुकान के अंदर, यहाँ पर देखती हूँ मुझे कुछ लेना है अपना पानी से रिलेटेड, फ़ोन रखने के लिए कि फ़ोन रख सकूँ सही जगह पर ताकि इसमें पानी न जाए। हम लोग को आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। गाय यहाँ पर ना वो दिखा रहा है स्क्रीन पर जो ना टाइम दिखा रहा है कि कौन सा राइड के लिए कितना मिनट लोगों को वेट करना है, जैसे क्यू लगता है ना, तो उसमें किसी में 15 मिनट दिखा रहा है, किसी में 5 मिनट दिखा रहा है, तो उस हिसाब से इसमें यहाँ पर स्क्रीन पर सारा कुछ देखिए ये लोग का कितना टेक्नोलॉजी एकदम वो है ना कि सबके दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर लॉकर है, तो मैं ज़्यादा इसमें अंदर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि लोग कपड़ा भी चेंज कर रहे होते हैं। तो लॉकर का है यहीं पर पूरा बहुत बड़ा सेक्शन है लॉकर सब, मतलब कपड़ा रखने के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा स्मॉल लॉकर के लिए 60 और बिग लॉकर के लिए थोड़ा मतलब मीडियम साइज के लिए 120 या 160, मैं देख कर बताती हूँ दाम का। 1 छोटा के लिए 60 है या उससे थोड़ा सा बड़ा के लिए जो है 160 है, 160, और जो जिसमें आप बैग वगैरह ब्रीफकेस वगैरह रख सकते हैं ना, तो उसके लिए है 245 डॉलर, ये लॉकर के लिए है। तो स्मॉल के लिए बहुत किड्डी सा स्मॉल वाला है। अब मेरा फेस भी देखिए कितना बिना मेकअप के घूम रही हूँ, डरावना लग रहा है ना मैम, ये टोपियों पे रख दो। तो गाइस देखिए यही वाला है वो लॉकर जिसमें हम सामान रख रहे हैं, छोटू सा बिल्कुल एकदम। तो 2 बैग आ गया है इसमें, मतलब कंधे वाला जो बैग होता है ना वो वाला।